टीकमगढ़ में रविवार की दोपहर शहर के गुप्ता गार्डन हॉल में अंबेडकर मिशन परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन नवागत प्रदेश अध्यक्ष पंकज अहिरवार के नेतृत्व में किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल गौतम के आदेश अनुसार संगठन के विस्तार हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिला कार्यकारिणी गठन किया गया। साथ ही बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मनोरथ गुप्ता, डी आर राहुल पूर्व न्यायाधीश, सोनू सिंह महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष उमा सिंह एवं बलराम सुखाड़े, नीरज अहिरवार आदि पदाधिकारियों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल गौतम ने भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में राजनीति केवल कुर्सी के लिए ही की जा रही है, न ही युवाओं के भविष्य और देश के विकास के लिए। उन्होंने कहा, हमारे देश के बच्चे अपना भविष्य निर्मित करने के लिए छोटी छोटी आबादी वाले देशों पर अच्छी पढ़ाई के लिए निर्भय हैं, और इतनी बड़ी आबादी वाले भारत देश में यह सुविधाएं अभी तक निर्मित नहीं हो सकी, यह शर्मनाक है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मिशन अम्बेडकर परिषद का ये प्रथम कार्यक्रम हमारे टीकमगढ़ जिले में रखा गया है, जिसमें जो पदाधिकारी हमारे नवनिर्वाचित हुए हैं उस सारे पदाधिकारियों को संपूर्ण प्रदेश से बुलाया गया है, उसमें उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। मिशन अम्बेडकर परिषद का उद्देश्य है कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो संविधान की विचारधारा है, उस पर सारे लोग चलें, उसको मानें, और अगर नहीं मानते हैं तो हम सारे लोग मिशन अम्बेडकर परिषद के माध्यम से उन गरीब व्यक्तियों को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर हम उनको न्याय दिलाएंगे। यही मिशन अम्बेडकर परिषद का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है पत्रकार बंधुओं कि जो हमारे जो भारत के हमारे लड़के विदेश को पढ़ने गए थे, हमको बड़ा दुख हुआ है कि हमारी यहाँ की कम से कम 135-136 करोड़ की आबादी, और जहाँ 200 करोड़ की आबादी और 300 करोड़ की आबादी, वहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और हमारे भारत के बच्चे वहाँ मारे जा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है मिशन अम्बेडकर परिषद की तरफ से, क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी पर्चे देना भूल गया, फिर देता हूँ। मैं मिशन अम्बेडकर परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पीएल गौतम, पूर्व मंत्री भोला शंकर का बेटा, और मैं आपके बीच में ये कहने आया हूँ, मैं मेरा उद्देश्य है मिशन अम्बेडकर परिषद के माध्यम से कि आज हमारा एक नौजवान मारा गया, एक की लगी गोली, सरदार का लड़का है पंजाब का, वो बेचारा वहाँ पड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इलेक्शन में यूपी में भी जी हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि आपको दिल्ली की सत्ता पे पहुँचाया किसने है। आपको ये मालूम होना चाहिए, जब दिल्ली की सत्ता पे आप पहुँचे हैं तो आप किसकी देन है, ये हमारे नौजवान बुजुर्ग भाई बहन माताएं। नंबर एक। और मैं आपसे ये कहूँगा पत्रकार बंधुओं, ये बड़ा कड़क आवाज चली जाना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के कानों में डांट लगी है वो तुरंत निकल के बाहर गिर पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल राइज हैं और जितने भी हमारे आईएएस आईपीएस करने वाले बच्चे हैं, जितने भी पीएचडी करने वाले बच्चे हैं, जितने भी हमारे बच्चे डिग्री लेने को गए थे डॉक्टरी की, जितने हमारे विदेशों में लड़के पढ़ने जा रहे, क्यों ना हमारे यहाँ ये स्कूल बनवा दिए जाएँ। अरे क्यों जाए भाई, इसमें कितनी तौहीन होती है, 4-4 करोड़ के देश, 2-2 करोड़ के देश, वहाँ हमारे भारत के लोग पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ मारे जा रहे हैं, और आज भी हमारे भारत के लोग फंसे हुए हैं वहाँ, बड़ा विडम्बना है। अब मैं आप लोगों से मिशन अम्बेडकर परिषद के माध्यम से कहता हूँ कि हमको क्यों ज़रूरत पड़ी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, इस संविधान की धज्जियाँ भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। क्यों उड़ा रही है कि आज जब रेल बेच दिया, ग्राम विकास बेच दिया, खादी ग्राम उद्योग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे विभाग प्राइवेट करके, और आपने अंडानी अंबानी को दे दिए। आप ये बात बताइए, आपको कोई राइट पावर नहीं है प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको पावर सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री बनो, अपना देश चलाइए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर ये, चलो ये तो मैं आपने कर लिए, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपने अगर ये हमारे सरकारी विभाग अगर प्राइवेट कर दिए, तो हमारे मिशन अम्बेडकर परिषद के लोग दिल्ली पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और मारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नौजवान साथी बच्चे हैं, माताओं और बहनें पढ़ा रही हैं, और बहनें हमारी, अगर वो नौजवान हमारे पढ़ाई कर रहे हैं
रहे हैं, आप प्राइवेट सारे विभाग कर रहे हैं, तो ये नौजवान क्या घात छी लेंगे। और आप प्रधानमंत्री जी, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।